सब्सक्राइब कीजिए रमेश चंद्र चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज आप ये देखेंगे कि इसमें कि जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, रचनाएं, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो 10th क्लास में NCERT की जो बुक होती है उसमें चैप्टर नंबर 11 जो रचनाओं का है, आज हम उसमें सबसे पहली जो प्रश्नावली है 11.1 उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 और 8 के रेशों के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को नापिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लिखा है 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेते हैं। तो देखिएगा कैसे खींचेंगे, इसमें हमने देखा कि 7.6 इसमें एक रेखा खींचनी है। यहाँ से आप देख रहे होंगे 7.6, ये 7 हो गया और आगे 5 और एक पॉइंट और आगे 6। तो ये 7.6 की एक रेखा खींच दी गई और इस रेखा को हमने कोई एक नाम दे दिया गया, इसको ए और इसको बी कह दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने का रेशो है। रेशो हमने देखा कि 5 और 8 का रेशो है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लें। और दोनों को ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि ये 13 आ गया। 13 जो आया है, हमने क्या किया है, सबसे इसके बाद एक नीचे न्यून कोण बनाती हुई कोई भी एक रेखा खींच दीजिए, ये खींच दी हमने। और ये जो 13 आया था अभी जोड़कर, उतनी कोई भी दूरी लेकर प्रकार में, यह है कोई भी दूरी, और हमें 13 चाप लगाने हैं। तो हमने क्या किया, 13 चाप लगाने गिनकर 1 और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक ये 13। तो जो 13 हमने लगाया है चाप, इस पर नंबरिंग भी कर देंगे। हमने इसको लिखा 1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। अब हमें क्या करना है, ये जो 13 वाला नंबर है, A13 को B से मिला देंगे, A13 को B से मिला दिया हमने। यहाँ से रेखा खींच दी है, A13 को हमने B से मिला दिया। इसके बाद हमारा जो नंबर था, हमें देखना है कितना कितना नंबर था। सबसे पहला हमने देखा 5, तो सबसे पहला जो नंबर था 5, हमें ये 5 को इंडिकेट कर लीजिए और इस 5 पर हमें क्या करना है, A13 पर सबसे पहले प्रकार की नोक रखेंगे और कोई भी दूरी लेकर एक इस टाइप से एक चाप लगाएंगे, आप देख रहे होंगे इसमें, और यही इसी दूरी से A5 पर रखेंगे प्रकार की नोक और एक इसी टाइप से एक चाप लगाएंगे उसी दूरी से। फिर हमने क्या किया, यहाँ और यहाँ तक जहाँ तक ये काटा था उस निशान तक की हमें दूरी ले लेनी है, आप देख रहे होंगे ये दूरी यहाँ तक की ले ली हमने। और उसके बाद A5 के आगे जो काट रहा था यहाँ पर, इसी दूरी से इसको हमें काट देना है। काटने के बाद ये जहाँ पर काटा है उसको A5 से मिलाकर सीधा आगे बढ़ा देंगे जहाँ तक वो जा सकता है, अगली वाली रेखा तक, जो रेखा है वहाँ तक हमने ये खींच दिया। और आप देखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा थी A13B, इसके पैरेलल रेखा ही आ गई, इसको हम B1 कह सकते हैं।
तो हमने ये देखा कि ए वी रेखा के बीच में एक पॉइंट आ गया कहीं पर बी वन। ये बी वन ऐसा पॉइंट है जो इसको 5 और 8 के रेशो में डिवाइड कर देता है। और इस रेखा की यदि हमें लंबाई नापनी है तो आप पहले ए वी की, ये जो ए बी वन है इसकी भी लेंथ नाप सकते हैं, और उसके बाद फिर ये बी वन जो बी है इसकी भी लेंथ नाप कर आप स्केल से रख सकते हैं। और ये जितनी भी रचना मैंने आपको इसमें बोली है वही की वही रचना आपको लिखनी है। ये या तो स्टेप वाइज लिख सकते हैं आप, और ये आप जो है सीरियल से लिख सकते हैं। इसी में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं सामने दिख रहा है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी भुजा है उस सबसे बड़ी भुजा को यहाँ पर खींच लीजिए। तो हमने सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा 2 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर खींच ली, जो सबसे बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर हमने खींच ली। इसके बाद इसको ए वी एक नाम दे दिया, ए वी, ए हो गया, बी ए हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ए से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। ये हमने नाप भी लिया है यहाँ पर, ए से 4 सेंटीमीटर का चाप, ये 4 यहाँ से और 1 तक, ये हो गया। तो ए से 4 सेंटीमीटर का चाप आप ऊपर की ओर लगा देंगे जहाँ पर भी जाता है, और बी से 5 सेंटीमीटर का आप चाप लगाएंगे, ये बी हो गया। और यहाँ तक कि आप डिस्टेंस लेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर, ये बी से आप 5 सेंटीमीटर का एक ये चाप लगा दिया है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। इस बिंदु सी को ए से और बी से दोनों से मिला देंगे आप, ये देखिएगा इस टाइप से मिलाना है, और बिंदु ए को सी से मिला दीजिए। और इसी में इस बिंदु को सी को बी से मिला दीजिए। अब आप ये देख रहे होंगे कि एक ये ट्रायंगल बन गया। अब हमें जो ट्रायंगल ये जो बन गया है हमें क्या करना है, इसके आगे सबसे पहले हमें क्या करना है, बिंदु ए से कोई भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की साइड खींच दीजिए। तो एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक नीचे की साइड हमने खींच दी, और इसी पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2 और 3 का रेशो है। तो 2 और 3 का रेशो है तो इसमें जब ट्राइंगल की शेप होती है तो टोटल नहीं करते हैं, केवल जो लार्जेस्ट नंबर है उसको देखते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर है 3 नीचे हमने देखा, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक दूरी लेकर इसमें जब 3 लिखा हुआ है तो 3 चाप लगा देंगे। कोई भी दूरी लेकर आप देख रहे होंगे इस टाइप से 3, केवल 3 चाप लगाएंगे, और जो है चाप इनको नंबरिंग कर लें A1 A2 और इसको A3 कहेंगे। और A3 जो आया है हमने देखा कि नीचे है, जो नीचे वाला नंबर होगा वो हमेशा इसी से जो है जॉइंट किया जाएगा। तो हमने देखा कि B से इस A3 को जॉइंट कर दीजिएगा, B से हमने ये जॉइंट कर दिया। अब इसके बाद वैसे ही जैसे अभी पिछले हमने किया था कंस्ट्रक्शंस में कि यहाँ पर कोई भी एक डिस्टेंस लेकर एक चाप लगाएंगे हम, जिसे अर्क भी कहते हैं, ये हमने लगा दिया यहाँ से कोई भी डिस्टेंस लेकर एक। इसी डिस्टेंस से हमारा जो रेशो है वो 2 है, तो 2 से हमें यही कार्य करना है। तो यही वर्क हमने 2 से किया कि एक कोई भी अर्क। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये हमें नोट कर लेनी है, इसमें ये नोट कर लिया हमने, और ये यहीं से इस इतनी ही डिस्टेंस से यहाँ से इसको काट देना है। ये आप देख रहे होंगे इसको जहाँ पर ये काटा है उसको A2 से मिलाकर आगे की ओर बढ़ा देंगे, इसको A2 से मिलाकर आगे की ओर हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर आ गए। इसको जहाँ पर ये पॉइंट इस लाइन को काट रहा है इसको हमने B1 कह दिया। यही कार्य फिर दोबारा से फिर वंस अगेन करना है हमें कि यहाँ पर एक ये कोई भी डिस्टेंस लेकर एक चाप लगाना है, और इसी डिस्टेंस से यहाँ से एक चाप लगाना है उसी से,
फिर यहाँ से हमें ये नोट कर लेना है कि ये कितनी डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस से यहाँ पर एक हमें काट देना है इसको, और फिर यहाँ से क्या करना है, B1 से इस जहाँ ये टच हो रहा है पॉइंट, उसको मिलाकर आगे की ओर बढ़ा देना है जहाँ तक भी जाते हैं। ये बन गया। इसके बाद हमने एक बात देखी इसमें, आप देखना कि यहाँ से जो रेखा है, ये जो खींची है यहाँ टच कर रही है, इसको हमने सी पॉइंट कह दिया, सी डैश सी पर है इसीलिए। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रेखा है सी पर आ गई, और इससे क्या हुआ, एक नया ट्रायंगल बन गया। तो इसमें दो ट्रायंगल बने, एक तो ट्रायंगल है ABC और एक जो दूसरा ट्रायंगल है वो है AB' और C'। ये जो दूसरा ट्रायंगल बनाया है ये पहले वाले ट्रायंगल को 2 और 3 के अनुपात में या रेशो में डिवाइड करता है, और आप जो रचना चाहेंगे तो इसी टाइप से जो बोला है हमने वही की वही रचना, जो कार्य किया है उसी को लिख सकते हैं। आप देखते हैं कि रचनाएं जो होती हैं, जो कंस्ट्रक्शंस जिन्हें आप कहते हैं, वो बहुत समस्या खड़ी करती हैं, इसीलिए आप जो है बहुत आराम से इसको सीखिएगा और आगे लाभ उठाइएगा। इसी में ही थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, NCERT का ही उसी बुक का थर्ड क्वेश्चन देखें तो आप इसमें देखेंगे कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसको कैसे करना है। हमने देखा कि यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। इसका आप एक बात रीड करिएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में नीचे का नंबर बड़ा था लेकिन इस बार ऊपर का नंबर बड़ा है, तो जब ऊपर का नंबर बड़ा होगा तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। क्या ध्यान रखने की बात है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहला काम वही कि सबसे बड़ा नंबर आप खींच लीजिएगा, तो सबसे बड़ा नंबर जो है 7 सेंटीमीटर हमारा है, उस 7 सेंटीमीटर को हमने जो है खींच लिया। और इस नंबर में जब कभी भी ऐसा यदि हमें लगे कि ऊपर का जो नंबर है वो बड़ा है, तो इसी में जो वेस है इसका आधार, इसी में थोड़ा सा नंबर आगे डैश डैश और कर देंगे, जो काम आएगा बाद में देखेंगे। इसके बाद क्या करना है, अभी एक 5 सेंटीमीटर 6 है, इसको ए और बी लिख दिया हमने, ए और इसको बी। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से 5 सेंटीमीटर का यहाँ से नोट कर लिया ये हमने 5 सेंटीमीटर, देखिएगा ये चाप लगा दीजिएगा हमने ए से, ये 5 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड से हमने देखा कि ये 6 सेंटीमीटर है, उधर से हमने नोट कर लिया ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये पहले वाले जो चाप है उसी के ऊपर को लगाया, और हमने देखा कि ये एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं, और जहाँ काट रहे हैं उस पॉइंट को हमने सी लिख दिया। इस सी को बिंदु ए से ये देखिएगा, और इसी को बिंदु बी से भी मिला दीजिएगा, ये हमने मिला दिया, और फिर वही कार्य। इसके बाद ये ए त्रिभुज ABC की रचना हुई। इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की ओर खींच दी हमने, बिल्कुल सेम उसी टाइप से। इसके बाद हमने देखा कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर 7 है, तो 7 नंबर यदि ग्रेटेस्ट है तो हमें 7 अर्क 7 चाप लगाने हैं, तो छोटा कोई भी दूरी लेकर इस प्रकार में, और 7 अर्क देखिएगा, 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7, हमने 7 इसकी नंबरिंग भी कर देंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ये नंबर हुए। हमने इसमें क्या करते थे, जो नीचे का नंबर होता है सबसे पहले हम उसको B से मिलाएंगे, जो नीचे का नंबर है हमने सबसे पहले, नीचे का नंबर क्या है 5, तो ये 5 नंबर को B से मिला दीजिएगा, तो अब देखिएगा हमने 5 को B से मिलाना है, हमने 5 को B से मिला दिया, 5 को हमने B से मिला दिया। इसके बाद ये जो 7 नंबर है
ये जो मैंने अभी एक्स्ट्रा लाइन खींची थी इसका यूज यहाँ होने वाला है, और फिर आप देखेंगे अभी क्या क्या होगा। इसके बाद हमने क्या किया, कोई दूरी लेकर बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से यहाँ से कोई एक आर्क चाप लगा लिया उसी टाइप से, इसी से फिर A7 से लगाया हमने यहाँ से A7 से, और फिर हमने क्या किया यहाँ से प्रकार की नोक रखी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने नोट कर ली। नोट करने के बाद में यहाँ रखी प्रकार की नोक, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से ये जो है एक लाइन, ये चाप जो है पहले वाले चाप को काट दिया, जहाँ पर भी काट रहा वो A7 से उसको मिलाते हुए और ऊपर की ओर खींच दीजिएगा। ये हमने खींच दिया, आप देख रहे होंगे यही काम बिल्कुल सेम, जो इसको B1 कहेंगे, B1 से भी यही काम हमें ऊपर की ओर करना है। तो हमने क्या किया यहीं से प्रकार की नोक, ये देखिएगा, यहीं से फिर ये डिस्टेंस अपनी मर्जी से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको नोट कर लिया, ये देख रहे होंगे आप, इतनी ही डिस्टेंस को यहाँ से प्रकार की नोक रख कर ये काट दिया। और यहाँ से आप देख रहे होंगे पहले एक काम और करना है, इस डिस्टेंस जो पहले वाली थी ये लाइन, इसको और बढ़ा देना ऊपर की ओर जितना जहाँ तक ये बढ़ सके, ये हमने बढ़ा दिया, ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ जो B1 है, B1 और ये चाप को मिलाकर आगे तक बढ़ाएं जहाँ तक वो एक्स्ट्रा लाइन खींची गई है, और आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ पर खींचेगी, ये देखिए। ठीक, अब हमने क्या किया, ये लाइन खींच, ये देख लिया कि दो त्रिभुज ये बन गए, ABC हो गया और एक त्रिभुज हो गया AB' और C'। आगे की इसकी जो रचना है अगले नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, और जो रचना नंबर 4, 5, 6, 7 है वो अगली नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, आप उसको देखिएगा। और यदि किसी टाइप की आपको वीडियो की आवश्यकता है तो आप उस समस्या को अब हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप लिखिएगा, और उसी टाइप की वीडियो मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी शीघ्रता से आपके पास पहुँचा दूँ। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार देखते रहिए, ये आपके फायदे के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। Turn down for what?